देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब श्रद्धालु भी सवाल उठाने लगे हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि पैदल मार्ग से लेकर धाम तक तमाम दिक्कतें हैं, जो कि बोर्ड की लापरवाही दिखाती है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज विरोध में खड़ा है और उन्होंने मामले में कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का प्रण भी लिया है। वहीं ऐसे में अब श्रद्धालुओं द्वारा भी बोर्ड की नाकामयाबी और सवाल उठाना एक गंभीर विषय है। अगर श्रद्धालु ही इस विषय पर सामने आ रहे हैं तो सरकार को भी सोचने की सख्त जरूरत है। देवस्थान बोर्ड के विरोध में श्री केदारनाथ धाम में बैठे हुए हैं। बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि इस शासन प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और यथाशीघ्र देवस्थानम बोर्ड के जितने भी फैसले हैं उनमें काफ़ी सारी कमी हमें नज़र आ रही है। जिस तरह से हम रास्ते में आए उसमें रास्ते में किसी तरह की कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं थी, यात्रियों के लिए किसी तरह का शौचालय व्यवस्था नहीं थी, कोई भी खान पान की व्यवस्था नहीं थी। और अगर कोई यात्री इतना 19-20 किलोमीटर ऊपर चलकर आता है उसके बाद भी वो दर्शन नहीं कर पाता तो ये तो यात्रियों के लिए एक निराशाजनक विषय बनता है। मैं लगभग 1.5 माह से देवस्थान बोर्ड के विरोध में श्री केदारनाथ धाम में बैठा हुआ हूँ और सरकार और ये 3 पहर की पूजा भी चल रही है और सरकार से भगवान से ये प्रार्थना है सरकार को जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि दे और ये स्वयं जो है इस बोर्ड को भंग करे। राज्य सरकार द्वारा जबरदस्ती चारों धामों में जो ये देवस्थानम बोर्ड थोपा गया है बिना हम लोगों को विश्वास में लिए हुए जबरदस्ती ये देवस्थानम बोर्ड यहाँ पर थोपा गया है। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं अभी भी और आगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपनी याचिका वहाँ दायर करेंगे और बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि अभी भी हम लोग जो है चारों धामों के लोग साधु संन्यासी और पूरी घाटी के लोग एक होकर के एक उग्र आंदोलन खड़ा करेंगे जिसमें कि हमारे चारों धामों के लोग और हक हकूक धारी जो है उसमें उपस्थित रहेंगे।